हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट शगुन दत्त शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गत दिवस कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर पर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री जिसको नेतृत्व में भाजपा ने उपचुनावों में भी शून्य का स्कोर किया हो और उपलब्धियों में भी शून्य रहा हो, वो कांग्रेस की चिंता छोड़ अपनी पार्टी की चिंता करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में उपचुनाव में क्लीन स्वीप कर चुकी है और अब आगामी विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल को देखकर मुख्यमंत्री घबरा गए हैं। शगुन ने कहा कि जयराम सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है और प्रदेश की जनता का विश्वास अब सरकार खो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने गत दिवस जो हिमाचल कांग्रेस को लेकर एक बयान दिया है, उस पर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री जिसने केंद्र में भी अपनी सरकार होने के बाद, प्रदेश में भी उनकी सरकार होने के बाद उपचुनावों में शून्य स्कोर किया हो और उपलब्धियों में भी जिस मुख्यमंत्री का जो स्कोर है वो शून्य रहा हो, उस मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी और अपनी सरकार की चिंता करने की ज़रूरत है, ना कि कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की ज़रूरत है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी के नेतृत्व में जो उपचुनाव में हमने शानदार जीत हासिल की है और जो माहौल हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है, उसको देखकर जो मुख्यमंत्री हैं वो बौखला गए हैं और बौखलाहट में जो है वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। हम मुख्यमंत्री को सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि उनकी सरकार के जो 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस पे ऐसी कोई भी जो है वो इस सरकार की उपलब्धि नहीं रही है कि जिस पे जश्न मनाया जाए। इस बेहतर होता कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार बैठकर इन 4 वर्षों में आत्मचिंतन करते कि जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास को एक ग्रहण लगा दिया उस पे आत्मचिंतन करते और जो चंद महीनों की ये जो सरकार जो अब मेहमान बची है उस पीरियड में जो कुछ ये हिमाचल प्रदेश के लिए कर सकते हैं उसके बारे में सोचते। परंतु ऐसा ना होकर ये जश्न के रूप में एक जो समृद्ध हिमाचल की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे कोविड काल में भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के संसाधनों को बेचने की बात हो, तो ये सारी जो है वो सरकार की उपलब्धियां जो हैं वो हो सकती हैं। बाकी कोई विकासात्मक कार्य जो है वो इस सरकार ने तो नहीं किया और जिस तरह से उपचुनावों में शून्य सीट पर जो है ये सिमटे हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को जनमत का जो था वो सम्मान करना चाहिए था और उसी वक्त अपने पद से जो था वो इस्तीफा दे देना चाहिए था।